नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओके क्रेडिट में। और आज हम जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस बिजनेस की खासियत ये है कि अगर आप उसको छोटी सी जगह में थोड़े से पैसों में भी शुरू करते हैं तो आपको लागत कम पड़ेगी, लेकिन हाँ, प्रॉफिट कुछ महीने बाद आना शुरू हो जाएगा और शायद उसी महीने में आपको प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए। आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए हैं, एक ऐसे शख्स की स्टोरी जो शायद अपना अच्छा खासा कारोबार छोड़कर अब अपने एक छोटी सी जगह में बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की सोच रहा है। क्या कुछ उनके पास हमारे लिए टिप्स हैं बिजनेस को लेकर, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है अगर पसंद आए तो, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आगे कैसे वीडियोस देखना पसंद है और किस तरह के वीडियोस आप बिजनेस को लेकर देखना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब तो आपको समझ आ ही गई होगी कि मैं किस बिजनेस को लेकर आज आपके सामने आई हूँ और बात करना चाहूंगी। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे बेकरी के बिजनेस को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जिन शख्स के साथ मैं बैठी हूँ उनका नाम ऋषि है और ये अमेरिका में 6 साल रह चुके हैं और अभी लॉकडाउन के दौरान ये यहाँ पर कह सकते हैं कि फंस चुके थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को फंसना नहीं समझा और इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ डेवलपिंग किया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे फायदा हो। इन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को अब चला रहे हैं, अच्छा खासा इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। इंस्पिरेशन आपको लेनी चाहिए, पूरी स्टोरी क्या है वो भी जानेंगे और साथ ही साथ बेकरी के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से पालमपुर से, और मेरे को 6 साल हो गए हैं यूएस में। तो मैं 6 साल से यूएस में काम करता था एज ए केक आर्टिस्ट। तो जैसे ही मैं घर पे आता हूँ तो उस टाइम पे यहाँ पे लॉकडाउन हो जाता है, तो उसके बाद मैंने घर पे ही, मतलब एक पैशन के तौर पे, मैंने घर पे ही काम शुरू किया था। घर पे भी काफ़ी ऑर्डर्स आते थे मेरे को, मतलब आस पड़ोस के या दोस्त फ्रेंड्स के, तो मैं डिलीवर करता था उनके लिए, घर पे केक बनाता था। उसके बाद काफ़ी, मतलब ज़्यादा ऑर्डर आने लगे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा बिजनेस करें। तो ये दुकान आपकी अपनी है या किराए पे? बिल्कुल नहीं, मेरी दुकान नहीं है ये, मैंने रेंट पे ली हुई है। कितना खर्चा आता है मशीन्स में? जैसे अवन होगी 80,000, 50,000 की होगी छोटी मशीन, अवन और मिक्सिंग बाउल और डिस्प्ले फ्रीजर, इन चार पांच चीजें जो हैं वो मतलब कॉस्टली हैं, मतलब उसका खर्चा आ जाएगा आपको 3 लाख 4 हज़ार 4 लाख के बीच में। बाकी जो आप मतलब जो भी इनोवेट करेंगे, जो भी डेकोरेशन उसी हिसाब से करोगे, उसी हिसाब से आपको खर्चा है। तो ये जो कमरा है किचन वाला, इसका लगभग 15x15 का, 15x15 स्क्वायर फीट, लाइक ऐसे है 15 वैसे है, तो इतने में हमारा, मतलब अभी तक जो किचन काम चल रहा है उसके लिए काफ़ी है। लोकेलिटी में हमें ये देखना है कि उस एरिया में जो हमारा कस्टमर है वो कितना स्पेंड कर सकता है, उसी हिसाब से हम रेट्स रखते हैं यहाँ पे। और दूसरा ये होता है कि हमें देखना होता है नियर बाई कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, क्राउडेड एरिया हो, वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है ये। पर 5.5 लाख 6 लाख तक मैंने इन्वेस्ट किया है। किस तरह की कोई लाइसेंस, क्योंकि ये खाने जरूर है, जैसे आपको किसी भी वेंडर से सामान लेना है या कुछ मशीन खरीदनी है, GST आपको चाहिए आजकल में। और दूसरा है फूड लाइसेंस होता है जो FSSAI द्वारा दिया जाता है हमें, उसके लिए अप्लाई करना होता है, ये तो लाइसेंस बहुत जरूरी है। अब मैं चाहूँगी कि आप हमें अपना किचन का एरिया और मशीन ओवन वगैरह बता दें ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। पहले जिसकी ज़रूरत होती है हमें, ये होता है डो मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं डो मिक्सचर। ये कहाँ पे भी, कहीं पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है। ये अवन, बेकिंग अवन है, ये भी आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है कहीं पे भी। डीप फ्रीजर चाहिए सबसे पहले आपको, डीप फ्रीजर की बहुत ज़रूरत है बेकिंग आइटम में। जैसे भी आप कुछ भी सामान रखते हैं उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक रखना होता है, जैसे व्हिपिंग क्रीम होगी कुछ भी है उसको डीप फ्रीज करके रखते हैं। जो सेल करने का, सेल आउट करना आपको प्रोडक्ट, तो उसके लिए जो डिस्प्ले चाहिए वो बेसिक अच्छा होना चाहिए, जिस पे आप चीज़ें डिस्प्ले कर सके, जो लोग देख के भी लगे लोगों को भी खाने की चीज़ है। तो जाते जाते ऋषि, आपसे जल्दी में 30 सेकंड में पूछना चाहूँगी बिजनेस टिप्स। बिजनेस टिप्स में ये है, सबसे पहले आपको पैशन, जो भी काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसके लिए पैशन होना चाहिए आपके पास, विल पावर होनी चाहिए, उसके लिए टाइम देना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो फाइनेंशियली आजकल तो बहुत ही अच्छी हो गई है। जैसे अभी आत्मनिर्भर जो अपना गवर्नमेंट ने चलाया हुआ आत्मनिर्भर
भारत, तो वो सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ है जो आपको लोन मिल रहा है और उस पर आप काम कर रहे हैं और उसको आप धीरे धीरे पे करेंगे, एकदम से आपको पे नहीं करनी है। और दूसरा ये है कि कभी भी ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये लॉस होगा, या अगर आप नेगेटिव सोचोगे पहले से ही तो कभी बिज़नेस नहीं कर पाओगे। उसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए, जो कि आप पॉजिटिव लेके चलें और उस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात की और तमाम टिप्स हमारे साथ शेयर किए। तो ये थे ऋषि, जो अमेरिका से सीधे लैंड हुए इंडिया में और लॉकडाउन के दौरान यहाँ फंस गए, लेकिन एक तरह से फंसे नहीं, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने पैशन को फॉलो किया और आत्मनिर्भर बनने के हमें टिप्स दिया। तो मैं भी आत्मनिर्भर बनती हूँ, ये पेस्ट्री खाती हूँ। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।